Hey guys, welcome back to my channel. So today's video is all about preparing for my half yearlies which are going to start from Monday and my first exam is of English. तो मैं आज पढ़ने वाली हूँ English ताकि मेरा syllabus जल्दी से complete हो जाए and I guess कल मुझे revision के लिए भी time चाहिए. So what I have planned is कि मैं कल जो दोपहर के जो 12 बजते हैं ना तो 12 बजे तक मैं अपना syllabus complete कर लूँगी and उसके बाद मैं start करूँगी अपनी revision. So this is what I have planned. So before our English exam we have got टू हॉलीडेज, हमें दो छुट्टियाँ मिली हैं. सबसे पहले तो आज जो कि है सैटरडे एंड कल डेट इज़ संडे. तो सैटरडे को जो है हमारी प्रिपेरेटरी हॉलीडे है. सो येस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज उठी 7 o'clock एंड मैं पढ़ाई करने बैठी 8 o'clock. सो 8 o'clock से मैंने पढ़ाई करना शुरू किया. तो इंग्लिश का जब मैंने अपना सिलेबस करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने सोचा कि आई शुड फिनिश अप माई ग्रामर पार्ट. लाइक ग्रामर में जो हमारा इंटीग्रेटेड ग्रामर वाला पार्ट आता है एंड जो राइटिंग वाला पार्ट आता है सबसे पहले मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी एंड देन आई विल बी प्रोसीडिंग विद माई लिटरेचर पार्ट. सो येस, लेट्स डू विद द ग्रामर. सो बेसिकली ग्रामर में तो इंटीग्रेटेड ग्रामर ही आती है एंड जो राइटिंग वाला पार्ट है उसमें आ रहे हैं हमारे 4 letters. डैट इज़ लेटर ऑफ कंप्लेंट, लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर टू एडिटर एंड लेटर ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर. सो ये 4 letters आ रहे हैं तो आई हैव टू प्रैक्टिस दैम ऑल. तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, आई एम मेकिंग नोट्स ऑफ द लेटर्स. लाइक मैं उनका फॉर्मेट नोट डाउन कर रही हूँ मेरे इंग्लिश के नोट्स रजिस्टर में. सो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं उनका फॉर्मेट लिख लूँगी ताकि मेरे को 4 letters का फॉर्मेट पता चल जाए एंड उसके बाद में जो ग्रामर की बुक है उसमें से मैं जो लेटर्स के जो एग्जाम्पल्स ये होते हैं आई विल रिव्यू ऑल दैट एग्जाम्पल्स. So here I'm done with all the format and now I'm reading out just the examples that are given in the book ताकि मुझे उन letters की language पता चल जाए and it will be easy for me to write them in the exam. After completing my grammar letter portion, I had my breakfast. So in breakfast, I had this banana shake. And after having my banana shake, I started with the integrated grammar part. तो integrated grammar part में basically जो topics आते हैं वो होते हैं reported speech, gap filling and editing. So I opened my grammar book and then I started to solve the exercises जो कि हमारे ग्रामर बुक में जो जितनी भी एक्सरसाइजेज दी हुई हैं इन टॉपिक से रिलेटेड मैंने उनको सॉल्व करना स्टार्ट किया ताकि इतने सारे एग्जाम्पल्स होते हैं ना बेसिकली ग्रामर बुक में एंड अगर आप बस उनको सॉल्व कर लोगे तो आप ग्रामर का पार्ट आपका हो जाएगा. सो येस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ना ग्रामर काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होती है. सो आप लोगों को ग्रामर जो है ना वो अच्छे से करके जाना चाहिए. सबसे पहले उसी को रिवाइज कर लीजिए ताकि आपका ग्रामर का पार्ट कंप्लीट हो जाए एंड बस आप फ्री हो जाएँ कि मेरा ग्रामर हो गया, नाउ आई कैन स्टार्ट विद द लिटरेचर. मैंने यहाँ पे अपना ग्रामर पार्ट कंप्लीट कर लिया है एंड हेयर आई एम स्टार्टिंग विद द बुक डेट इज़ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. तो जैसे कि हमारे पास 2 books हैं, डेट इज़ फर्स्ट फ्लाइट एंड दिस वन. तो सबसे पहले मैंने सोचा कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली जो बुक है उसको कंप्लीट कर लेते हैं. फर्स्ट फ्लाइट में तो पोएम्स भी हैं सो आई थॉट कि सबसे पहले इस वाली बुक के जो चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं. तो येस आई एम डूइंग दैट. सो आई एम जस्ट रीडिंग आउट द होल चैप्टर ताकि मुझे इंपॉर्टेंट लाइन्स एंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो चैप्टर के अंदर है वो पता चल जाएँ. तो सबसे पहले ना आपको इंग्लिश में यही करना होता है जब भी आप पढ़ने बैठो, वट यू हैव टू डू, सबसे पहले तो आपको अपने आप से रीडिंग करनी है एंड उसके बाद आपको एनिमेशन वीडियोज़ देखनी है. इंग्लिश एंड हिंदी में जो है एनिमेटेड वीडियोज़ आर वेरी वेरी हेल्पफुल. सो आपको वो देखनी चाहिए. वीडियोज़ अगर आप देख रहे हो ना तो वो आपका जो चैप्टर है वो बहुत ही अच्छे से आपको याद हो जाता है एंड इट इज़ ईजी फॉर यू टू रिकॉल ईच एंड एवरी थिंग ऑफ द चैप्टर. सो उसके बाद मेरी टीचर ने ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेजे थे तो मुझे उनको फोटो कॉपी कराना था ताकि मेरे लिए ईजी होने पढ़ना. सो देयरफॉर आई वेंट टू द मार्केट एंड उसके बाद मैं गई शॉप पे ताकि मुझे ये सब फोटो सेट करा सकूँ. सो हेयर आई एम. सो फोटो सेट कराते कराते क्या हुआ कि बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी. मतलब बारिश वाला मौसम तो नहीं था लेकिन यस होने लग गई. तो हमने क्या किया, हम थोड़ी देर के लिए वेट किया, जब थोड़ी सी कम हो गई देन हम घर आ गए. बट हम भीग तो गए थे ऑब्वियसली एंड तो हेयर आई एम शोइंग यू ऑल, दिस इज़ द क्वेश्चन आंसर डेट माई मैम हैज सेंट. गाइस हेयर आर ऑल द क्वेश्चंस एंड इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट देम तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई विल डू शेयर देम इन माई कम्युनिटी टैब तो आप वहाँ पर चेक कर लेना. सो नाउ इट्स द टर्न टू रिवाइज ऑल दिस क्वेश्चन. सो यप, लेट्स गो एंड रिवाइज दिस क्वेश्चन. सो फर्स्ट लेट मी टेल यू ऑल कि क्वेश्चन हैं किस बारे में. दीज आर द हॉट्स डेट इज़ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. सो इट मीन्स अगर आपको कोई केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन जो होते हैं इंग्लिश में ये उस टाइप के क्वेश्चन हैं एंड एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं. सो येस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन चेक दैम आउट, आई विल शेयर इन माई कम्युनिटी टैब, यू कैन चेक देयर.
So after it, here is today's comment. So when you study after school, so school जो होता है मेरा 3 o'clock में घर आ जाती हूँ school से, and half an hour या फिर 1 hour में break लेती हूँ, and उसके बाद मैं 4 o'clock या फिर 5 o'clock तक पढ़ने बैठ जाती हूँ. So this is my routine कि मैं school से आने के बाद कब पढ़ती हूँ. So yes. तो उसके बाद मैंने यहाँ पे पिया ग्लूकोज, बिकॉज स्टेइंग हाइड्रेटेड इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट. सो डू टेक स्मॉल ब्रेक्स बिटवीन योर स्टडी एंड डू ड्रिंक वाटर. उसके बाद मैं फिर से बैठ गई पढ़ने, एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिवाइज ऑल द पोएम्स. जो पोएम्स के मैंने जितने भी नोट्स बनाए हैं अब मैं उनको रिवाइज कर रही हूँ, जैसे पोएट्री डिवाइसेज, समरीज, थीम ऑफ द पोएम. तो अब मैं वो सारी पोएटिक डिवाइसेज एंड एवरीथिंग को मैं रिवाइज करने वाली हूँ, एंड इसके बाद मेरी पोएम भी कम्प्लीट हो जाएगी. सो गाइज, मैं बाहर गई थी तो मैं शर्ट जो है थोड़ी सी गीली हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे चेंज कर ली थी. सो अब मैं जो आपको दिखा रही हूँ वो है MCQs जो कि हमारी फिर से हमारी मैम ने भेजे हैं, एंड मुझे इनको भी रिवाइज करना है क्योंकि ये भी थोड़े इंपॉर्टेंट हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू रिवाइज दीज MCQs एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स आर नेक्स्ट थिंग. So guys, here I'm showing you all some lovely comments from my lovely subscribers. Thank you all for commenting down. And agar aap logo ko bhi apna comment aise video mein reflect karana hai, so please do comment down in this video anything you can comment, and it will be reflected in my next coming video. So guys, this was for today's video. I hope you all enjoyed it a lot. Please do like this video and also subscribe to my channel. And tab tak ke liye milte hain next video mein. Tata, bye bye, take care.